दौड़ जल्दी। ये बच्चा सुबह सुबह सुस्ती लगा था हुआ। नक्शु, ए नक्शु उठो, देखो गाइस देख रही है तुम्हें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और नक्शु देखिए कैसे सो रहा है, सुबह में उठ के ब्रश करके फ्रेश होके ये बच्चा सो रहा है। नक्शु सुबह के कितना टाइम हुआ है, टाइम बताओ। सुबह के साथ तो सुबह के बजे हैं 7:15 और नक्शु अभी स्कूल जाने के लिए रेडी है, लेकिन ये दूध पीने में इतनी टाइम लगाता है नक्शु। सुबह सुबह हल्दी वाला दूध पीते हैं ना बेटा, बोल मीठा शाम को देती हूँ ना मैं तुम्हें। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बजे 7:15 और नक्शु अभी जाने के लिए रेडी है, लेकिन अभी दूध पीने में इतना टाइम लगा रहा है। और नक्शु का टिफिन रेडी हो चुका है गाइस, पानी की बॉटल। नक्शु आज लंच में लेके जा रहे हैं भिंडी की सब्जी और पराठे, भिंडी की सब्जी और पराठे। और अभी तुम जल्दी करो वरना तुम्हारा गेट बंद हो जाएगा स्कूल का। नक्शु लो ये रुमाल ले लो, बाय बाय जैम्बे जैम्बे। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, नक्शु भी अभी अभी घर पे आया है गाइस। और आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि आज खाना मेरी मम्मी के घर पे है, तो अभी मेरी मम्मी के घर जाने वाले हैं नक्शु और मैं। और उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, अभी संदीप नक्श को घर पे लेके आए हैं तो उन्होंने मुझे फोन में कुछ दिखाया। फोन में क्या दिखाया आप देखिए, संदीप खुद ही बता रहे हैं। रुकिए संदीप क्या हुआ बताओ। देखो मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे सामने एक बंदे की ऑफिस है बराबर, वो बंदे को मेरे नाम से और मेरे डीपी सब डीपी फोटो से मैसेज गया है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये देखो फोटो। और मेरे अकाउंट की लिमिट खत्म हो गई है तो प्लीज मुझे कुछ पैसे सेंड करो, मैं नंबर भेजू उस पे। अच्छा, और फिर वो बंदे ने पूछा कौन सी हॉस्पिटल में क्या हो, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप खाली मेरे अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दो, फिर कल सुबह मैं आपको रिटर्न देता हूँ। व्हाट्सएप का मैसेज दिखाओ गाइस को, कल सुबह मैं आपको रिटर्न देता हूँ पेमेंट। देख फ्रॉड कैसे भी हो सकता है, तो मेहरबानी करके जो बंदा आपसे पैसा मांगता है सोशल मीडिया थ्रू, उसको ऐसे बोलो कि रूबरू आके मेरे से पैसा ले जाओ, बाकी कभी भी कॉल पे भी नहीं, कॉल पे भी नहीं, नहीं पे भी नहीं, फोन में मतलब हॉस्पिटल पे, जैसे कि ये हॉस्पिटल में है। नक्शु ये फोन दो तो मुझे बेटा, व्हाट्सएप डीपी निकालो और वो मुझे फोन दो के जैसे गाइस के ये हॉस्पिटल में है और अर्जेंट है, इनको बहुत पैसों की जरूरत है, ऐसे फोटो व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं उन्होंने सामने से। दे बकरी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अर्जेंटली मुझे जरूरत है। ये तो संदीप को कैसे पता चला, क्योंकि जिनके जिनके फोन में मैसेज गया है वो इनके बिल्कुल सामने ही ऑफिस है। उस बंदे ने सामने से आके संदीप को ये सब दिखाया कि ये आपके फोन के व्हाट्सएप नंबर से मुझे ऐसा मैसेज आया है संदीप भाई, क्या आपने किया है। तभी संदीप को पता चला और ये अभी नक्श को घर पे लेके आए ना गाइस स्कूल से, तो इन्होंने आके मुझे दिखाया कि अगर तुझे भी ऐसा कोई कॉल आए या कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आए तो तू ध्यान रखना, तू पहले मुझे कॉल करना। आपके व्हाट्सएप पे भी ऐसा कुछ आता है ना गाइस, तो पहले आप भी चेक कीजिए कि ये सच में जिस बंदे का है उसी ने किया है कि नहीं, उसके बाद ही आप कुछ भी एक्शन लीजिए गाइस बस। तो गाइस नक्श और मैं रेडी है, जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, आज मेरा खाना वहीं पे है गाइस। तो गाइस मैं तो घर से निकली और मेरी गाड़ी में पेट्रोल तो एकदम जीरो था गाइस, जैसे वैसे करके पेट्रोल पंप पे लेके आई हूँ, तो अभी पेट्रोल भरवा लिया है मैंने, मुझे तो लगा पेट्रोल पंप तक भी नहीं पहुँचेगी गाइस। तो गाइस मैं आ गई हूँ मेरी मम्मी के घर पे, मेरी मम्मी से तो आप मिल चुके मम्मी भी। और आज है ना गाइस मेरी सिस्टर ने कितने दिनों के व्रत थे वीनू, हाँ 21 डे, तो 21 डे के व्रत रखे थे मेरी सिस्टर ने गाइस। तो आज उसने सबके लिए मतलब भोग लगाया था भगवान माता जी को,
और सबको खाने के बुलाया था तो इसलिए मैं भी आई हूँ। आपको मैं दर्शन करवाती हूँ, मैं भी कर लू। नक्शु, ए नक्शु, दर्शन कर लो, आ जाओ। तो इनके व्रत रखे थे मेरी सिस्टर ने 21 दिन के। और बोला प्यार के खा लो गाइस, तो ध्यान दे उते सजरी आलू का कणी होया और इंजो ने आया दर्शन करण सगर बोलती अच्छे मचो मथो करुणा दिन का टेटे भाई पर प्रसाद तगया सब चल चल इंजो मैं हर साल में गए अच्छा जोड़ बेटे पूजा कर ली अभी तक ले उसका हाय पिया कहाँ गई ओ जी तो टिफिन देने गई मैं अच्छा ना खाने क्या बनाया दिखाओ शाही टुकड़ा आज मासी ने मस्त मस्त वैरायटीयां बनाई आज मैंने पूरा लहसुन प्याज के बिना जो अच्छा बन सकता था वो बनाया है सबको अच्छा लगा अन्या ना खा लिया ऐसा सबिन खा दो सी अन्या ये कड़क हुई ना गाड़ी मधी के टेस्टी सही बना है तुझे लाए दी खान मस्त बना है खानो शाही टुकड़ा बनाया आज मस्त मस्त भोग माता जी को भोग लगाया तो मस्त मस्त वैरायटी बनाई है मस्त खाना बनाया बढ़िया मजा आया इतना सारा खाना खा के मजा बढ़िया लगा क्योंकि मैंने आज एक्सपेरिमेंट मतलब अच्छी कुछ हम जैसे जो फास्टिंग में बनाते हैं प्याज और लहसुन के बिना आज हमने प्याज और लहसुन के बिना कुछ वेराइटीज बनाई प्याज लहसुन तो नहीं, नहीं, नहीं स्वीट भी हमने चेंज किया वैसे हम हर तरह की खीर बनाते हैं चावल की खीर सेवैया की खीर साबूदाने की खीर आज हमने कुछ और ट्राई किया शाही टुकड़ा वो भी अच्छा लगा उसकी रेसिपी आप देना बाद में अगर वो मांगेंगे मुझसे कविता के व्यूअर्स तो मैं दूंगी हाँ, आप कुक करके बताना कि आपको रेसिपी चाहिए क्योंकि थोड़ा अभी अभी संदीप भी आ गए हैं घरकड़ी घटाड़ी दो संदीप भी आ गए अभी खा रहे खाना आज मम्मी के घर पे दावत है जमाई को कैसा बना खाना बढ़िया हाँ सबसे बढ़िया क्या लगा खाना खाना तो बढ़िया है उसमें सबसे बढ़िया क्या बना है वो चटनी हाँ सब्जी हाँ टिक्की और ये मिठाई हाँ वो मिठाई अच्छी बनाई है आज वीनू ने और बच्चा बाटी क्या कर रही है बच्चा क्या खा रही हो लाओ मुझे खिलाओ ये नहीं वो क्या चाट रही थी तुम ये अच्छा ये तो जल्दी रहा है नहीं ये इतने नहीं चाहिए ये कैसे खा रहे हो तुम लोग ये मिजा नहीं तुम खाओ मुझे नहीं खाना कच्चा है बहुत गाइस इंजेक्शन रोड से लेके आइए ये लेने गई थी तुम अभी ये अपलम चपलम लेने गई थी ये नहीं था और वो ऑरेंज का बचपन में खाते थे उनका बचपन याद आ गया अब मैं दूसरा हेलो गाइस पापड़ खा लो और नया लेके आइए पापड़ मुझे तेरा खाना बाकी है अभी पापड़ खाना दूसरी बार का खाना ये मेरी मम्मी का साइड में स्टोर रूम बना हुआ है हम लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग भी स्टोर हो चुके हैं स्टोर हो चुके और सब लोग दर्शन करने आए हैं भाई पनाडे पे पनाडे दिन का व्रत आज मेरी बहन का पूरा हुआ ना गाइस दोस्तों सबका खाना रखा था घर पे प्रसाद बनाई थी तो सब लोग दर्शन करने भी आए तो चलिए हम जाते हैं अभी घर पे बाय 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 कहाँ गए चोर 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 चलिए गाइस चलते हैं घर इधर आए बरंडे अरे बेटा
तो गाइस मम्मी के घर से तो मैं आ गई और संदीप और मैं अभी आए मोबाइल का कवर लेने। गाइस कितने दिन से मुझे लेना था, अभी फाइनली लेने आई हूँ मैं मोबाइल का कवर यहाँ से। तो गाइस मैंने ये कवर ले लिया है फाइनली और ये भी लिया है मैंने। अनिस को क्या कहते हैं हैंड स्प्रे, ये मुझे एडिटिंग वगैरह में काम में आता है। जब मैं रात को करती हूँ ना गाइस तो ये कनेक्ट करके अब इससे करूँगी गाइस। तो मैंने ये भी लिया है और मोबाइल कवर भी लिया है, देखिए फाइनली ले लिया आज। तो गाइस आ गए अभी हम घर पे, मुझे कवर लेना था मोबाइल का, फाइनली मैंने आज ले लिया और आज मैंने स्प्रे भी लिया है गाइस। और अभी नक्श को तो आ रही है नींद क्योंकि वो पूरी दोपहर मम्मी के घर पे सोया नहीं है, खाना वाना खाने के बाद सब बच्चे वहाँ पे मस्ती कर रहे थे गाइस। हाँ हाँ तो अभी इसे नींद आ रही है तो इसके लिए मैं फटाफट मैगी बना रही हूँ गाइस और मैगी खिला के इसे तो मैं अब सुला दूंगी गाइस। क्योंकि अभी नक्श सुबह उठता है ना गाइस 6 बजे तो उसे दोपहर को नहीं सुलाती हूँ तो शाम तक उसकी बैटरी हो जाती है डाउन। आज वो नहीं सोया है तो उसे आज नींद आ रही है अभी, तो अभी बिना खाए सोए इससे अच्छा तो मैं उसे मैगी खिला दूँ फिर वो सो जाएगा, उसकी नींद हो जाएगी पूरी। तो चलिए मैं नक्श के लिए फटाफट मैगी बना देती हूँ गाइस। यहीं पे होगा नक्शू को मेरे कुछ मिलता नहीं है अभी, इसे टीवी का रिमोट नहीं मिलता है गाइस। देखो यहीं पे होगा बेटा, और इसको कभी भी कोई चीज नहीं मिलती ढूंढने पे, हमेशा मुझे ही ढूंढ के देना पड़ता है। यहाँ पे तुमने ढूंढा, मैंने भी यही, देखो गाइस मैंने भी यहीं से निकाला, यहीं से यहाँ पे मैं रखती हूँ इसके। ये सब क्या करते हैं, यहाँ वहाँ रख देते हैं, फिर मैं संभाल के ढूंढ के अपनी जगह पे चीज़ें रखती हूँ और इनको फिर वहाँ से भी नहीं मिलती है ढूंढने। अभी मैंने देखो मिल गया ना मुझे नक्शु, तेरे सामने मैंने निकाला नक्शु, तू कुछ ध्यान से नहीं देखता, क्यों ऐसा करता है? तो देखता है तो तुझे क्यों नहीं मिला? तो गाइस मैगी बन गई है, चलिए नक्शु को दे दूँ मैं। लो नक्शु तो तुमने खाना नहीं खाया बेटा, अभी खा लो फिर खा के सो जाओ। और थोड़ी सी मैंने भी ले ली है गाइस टेस्ट करने के लिए मैगी। तो गाइस आज मुझे भी कुछ ज्यादा खाने की इच्छा नहीं है तो मैंने भी ये मैगी थोड़ी सी ले ली है खाने के लिए, लक्ष्य को भी दे दी, ऐसे भी अभी तो नींद आ रही है। और संदीप आएंगे उनके लिए मैं कुछ बना दूंगी गाइस, हल्का फुल्का, प्लेन मैगी नहीं पसंद तो उनके लिए मैं मसाला मैगी बना दूंगी। तो मुझे भी आज कुछ ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं, दोपहर को बहुत हैवी खा लिया था तो अभी तो भूख नहीं है इतनी, तो मैंने भी थोड़ी सी मैगी ले ली है खाने के लिए, नक्शु को दे दी है, नक्शु तो अभी खा के सो जाएगा गाइस। तो गाइस नक्शु तो खाना खा के सो गया है, सुबह से आज उठा था उसने, दोपहर को आराम नहीं किया था, वो तो खाना खा के अभी सो गया है। और अभी तो गाइस 8 ही बजे, 8 ही बजे अभी तो संदीप भी नहीं आए, उनका खाना बाकी है, मैंने भी थोड़ी सी मैगी। मैं भी इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ गाइस, तो आई होप आपको ये ब्लॉग आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता होगा गाइस। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।